ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखिएगा दोस्तों, देख रहे हो नज़ारे, देख सकते हैं यहाँ से पूरी तरीके से, ये देखिएगा, ये देखो। जैसे आते हैं ना हमें ये देखने को ज़रूर मिलता है दोस्तों, देख रहे हो, जो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर देख रहे हो सरदारों को किस तरह से स्नान करते दिखाते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हो पूरी तरीके से, और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये देखिए। ब्लॉग तो गाइस आज है 14 जून, 14 जून के दिन मैं पहुंच चुका हूँ फिर से एक बार हरिद्वार, हर की पौड़ी से आप लोगों को माँ गंगा जी के दिव्य दर्शन कराने के लिए। अभी मैं हूँ ब्रह्मकुंड घाट पे, आप लोग देख सकते हो, आपको नज़ारा दिखाऊंगा सीधे भाई, आप लोग बोलोगे वाह यार क्या दिव्य नज़ारे हैं। दर्शन करने से पहले आप लोग हर हर गंगे के कमेंट जरूर करेगा, चलो आपको कराता हूँ माँ गंगा जी के दिव्य दर्शन, आप लोग दर्शन भी करते जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे सभी घाट की ओर, आप लोगों को माँ गंगा जी के दिव्य दर्शन कराने। चलो दोस्तों ये देख सकते हो, सबसे पहले ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे देख सकते हो आप लोग, यहाँ से देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालु की, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे पूरी तरीके से माँ गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, आप लोग देख सकते हो ये देखिएगा, और भीड़ भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है श्रद्धालु की, आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके से, ये देख रहे हो आप लोग, देख सकते हो अभी चलेंगे धीरे धीरे सभी घाट की और आपको दर्शन कराएंगे, देखते हैं गंगा जी का जल उस में कितनी ज़्यादा रेता है, मिट्टी आ रही है, चलो चलते हैं, तो सामने घाट भी जाके पता क्या चलता है। चलो दोस्तों चलते हैं फटाफट से आप लोगों को दर्शन कराते हैं, ये देखिएगा पहुँच चुका ब्रह्मकुंड घाट पे, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से, और श्रद्धालु का ये नज़ारा देखिएगा, 14 जून के दिन आप लोग ये दर्शन कर रहे हो, समय की बात की जाए समय लगभग अभी हो चुका है 1 बजे का, और 1 बजे के आप लोग ये दिव्य नज़ारे दर्शन कर सकते हो, ये देखिएगा माँ गंगा जी के, और भीड़ देख सकते हो श्रद्धालु की कितनी ज़्यादा है, देख रहे हो पूरी तरीके से। अभी हम चलेंगे यहीं से धीरे धीरे, जो बाकी के सामने की घाट है वहाँ के दर्शन कराते हैं, वहाँ के दिव्य नज़ारे दिखाते हैं आपको। चलो दोस्तों चलते हैं धीरे धीरे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, उससे पहले आप लोग यहाँ से देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ आज घाट पे श्रद्धालु को माँ गंगा जी में डुबकी लगाते हुए देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखिए, देखिएगा दोस्तों ये रहे घंटाघर वाले घाट के नज़ारे, आप लोग देख रहे हो पूरी तरीके से, इसे बोलते हैं घंटाघर वाला घाट, आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा श्रद्धालु की भीड़ लगी है, यानी कि सामने वाले घाट पर भी और इस घाट पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन जल स्तर को हमें थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है, जल का भाव काफ़ी ज़्यादा नहीं हो रखा है और ना ज़्यादा छोड़ रखा है जल का भाव, देख रहे हो पूरी तरीके से, ये देखिए आप लोग दर्शन कर सकते हैं, दिव्य नज़ारे देख सकते हो, ये देखिए गंगा जी और अच्छे लगेंगे धीरे धीरे सामने घाट के हो, ठीक है, वहाँ के दर्शन कराते हैं आप लोगों को, नज़ारे दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों श्रद्धालु को देख रहे हो, ये देखिए, देख रहे हो भाई इस तरह से, ये देखो भाई पूरी तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए भाई, ये देखो भाई, देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो, ये देखिएगा, भयंकर गर्मी पड़ रही है ना माँ कसम, बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है दोस्तों, सपना बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। अभी मैं घंटाघर वाले घाट पे, ठीक है, अभी कराता हूँ यहाँ से आपको गंगा जी की, ठीक है। ये देखो सामने वाले घाट के नज़ारे देखो भाई पूरी तरीके से देख सकते हो, और भीड़ देख रहे हो सामने वाले घाट भी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है हमें पूरी तरीके से, और वो सामने रहा महिला वाला घाट, देख रहे हो आप लोग महिला वाले घाट पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से, माँ गंगा जी में डुबकी लगाते हुए देख रहे हो आप लोग, ये देख सकते हो सामने वाले घाट भी, देखो ये देखो पूरी तरीके से घाटों के नज़ारे देख सकते हो, ये देखो चलेंगे बाकी के जो घाट है ना वहाँ के दर्शन कराते हैं फटाफट से, क्योंकि गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भाई, और शाम का समय तो जैसी रहेगा ना वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती रहेगी, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। ये देखिए ये रहा मालवी घाट, देख रहे हो ऐसे बोलते हैं मालवी घाट, ये देख रहे हो ये रहा पूरी मालवी घाट के नज़ारे, इस पर घाट पर ज़्यादा स्पेस रहता है और यहाँ पर श्रद्धालु की भीड़ और ज़्यादा रहती है, देख रहे हो पूरी तरीके से देख सकते हो, ये देखिए, और ये सामने रहा महिला वाला घाट जो आपको सामने दिखाई दे रहा, और उस घाट के नज़ारे तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी उस घाट पे, देखो ये देखिए देख सकते हो पूरी तरीके से, और सामने ब्रिज पे चलेंगे, ठीक है, वहाँ से पूरी तरीके से दर्शन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छे वाले चलेंगे सामने वाले ब्रिज पर और वहाँ से दिखाएंगे नज़ारे आपको, ठीक है। चलो भाई देख रहे हो यहाँ पर घाट के किनारे अगर आप लोग आते हो तो पन्नी पॉलिथीन का उपयोग करते हो तो प्लीज़ घाट पर इस तरह से नहीं छोड़िएगा, देख रहे हो आप लोग कितनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी हो रखी है, देखिए, और कपड़ों का ध्यान, अपना सामान का ध्यान जरूर रखें, ठीक है, अगर आते हो हरिद्वार में कभी तो सामान का ध्यान जरूर रखें भाई, कहीं ये नहीं कि आप स्नान करने चले गए और आपका सामान बैग कोई भी उठा के ले जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान जरूर रखें। चलते हैं सामने ब्रिज से, वहाँ से आप लोगों को दर्शन कराते हैं भाई, चलते हैं बेटे चलो भाई। दोस्तों श्रद्धालु को देख रहे हो, ये देखिए, देख रहे हो भाई इस तरह से, ये देखो
ये देखो भाई पूरी तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए भाई, ये देखो भाई, देख रहे हो, ये देखो भाई, देख रहे हो, ये देखिएगा वहाँ पे चल रही गुड पार्ट पूछा, लेकिन उनको देख रहे हो श्रद्धालु का यहाँ पे, ये देखो भाई, यहाँ से देख सकते हो और श्रद्धालु को देखो किस तरह से, देखिए पूरी तरीके से, ये देखेगा भीड़ लग गई, देखो ये देखिएगा पूरी तरीके से देख सकते हो किस तरह से ये पूजा होती है ना, कोई उसी के चलते चल रही है, ये देखो भाई ये देखिएगा दोस्तों, देख रहे हो नज़ारे देख सकते हो यहाँ से पूरी तरीके से, ये देखिए सामने भी पहुँच गए सभी लोग, देख रहे हो सभी भक्त लोग वहाँ पहुँच गए सामने, ये देख सकते हो भाई पूरी तरीके से भागीरथी सेतु की तरफ ये नज़ारे देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखिएगा दोस्तों। और सामने रही हमारी माँ गंगा जी की दिव्य मूर्ति, आपको दिखाई दे रही होगी सामने, देखो बीच में माँ गंगा जी की मूर्ति और सामने रही भोलेनाथ की मूर्ति, ये देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखो। और सामने वाले घाट पे तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही हमें, क्योंकि वहाँ के भी जो श्रद्धालु थे ना दोस्तों, जो इस घाट पे भी स्नान कर रहे थे ना, वो भी अभी इस तरफ आई है, क्यों, क्योंकि सामने चल रही है ना वो माता जी की पूजा चलती है यहाँ पे ना, ऐसी पूजाएँ होती रहती हैं अक्सर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चल रही है तो सभी लोग देखने के लिए, ये देखो ये पूरी तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं सामने, यहाँ से देख रहे हैं, देखें ये देखिए दोस्तों। अब हम चलेंगे यहाँ से धीरे धीरे नाई घाट की ओर, ठीक है, नाई घाट के आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि गर्मी भी बढ़ती जा रही है भाई, सच में बहुत तगड़ी गर्मी लग रही है, तभी मैंने देख रहे हो अब चश्मा पहन के चलता हूँ ना, तो मतलब गर्मी का महसूस थोड़ा सा कम रहता है, आपको लगता है शौक होगा बट मुझे ऐसा शौक नहीं है ज़्यादा वो पहनने का, ठीक है, क्योंकि गर्मी की वजह से पहनना पड़ रहा है। अभी चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे बड़ा बढ़ते नाई घाट के, वहाँ के दर्शन, देख रहे हो यहाँ से भीड़ देख रहे हो, ये देखिए थोड़ी बहुत भीड़ है, जैसे जैसे शाम का समय होता है आरती का समय तो भीड़ तो बढ़ती रहती है, आप सभी को पता ही होगा पूरी तरीके से। चलो अब चलेंगे जो बाकी के सामने के घाट है उनको कवर करते फटाफट से, वहाँ के दर्शन कराते, चलो देख सकते हो कि गर्मी कितनी ज़्यादा, देख रहे हो मतलब कि ब्रिज के नीचे कितने ज़्यादा श्रद्धालु बैठे हैं, देख रहे हो ये देखिए पूरी तरीके से, ये रहा धनुष वाला पुल, मतलब कि श्रद्धालु ना ऐसा ढूंढ रहे कि जहाँ पे छाव हो, देख रहे हो आप लोग, ये देख सकते हो पूरी तरीके से, और सीधे बड़ी वाली धारा की आप लोगों को दर्शन कराते हैं यहाँ से, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ से गंगा जी की बड़ी वाली धारा की आप लोग दर्शन कर सकते हैं, दिव्य नज़ारे देख सकते हैं, ये देखिए गंगा जी का भाव होता थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है ना, नहीं तो यहाँ से इतना डरावना जल स्तर रहता ना दोस्तों, इतना ज़्यादा भाव रहता काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऊँची ऊँची लहरें उठती हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा होगा बहुत बार भी वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भाव रहता ना, जल का भाव भी काफ़ी तेज़ रहता है इस घाट पे, वो तो ऐसा है कि अभी थोड़ा कम कर रखा है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, बारिश के समय देखना आप लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे जल चलता है पूरी तरीके से, ये सीधे चलेंगे नाई घाट की ओर, नाई घाट के दर्शन कराते हैं, दिव्य नज़ारा दिखाते हैं, चलो बनाओ, मतलब आप अपना चप्पल अगर खोल के चलते हो ना, दो मिनट अगर आप यहाँ पे खड़ा हो जाओ ना भाई, खड़े ही नहीं हो पाओगे दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है, पाँव जल रहे हैं पूरी तरीके से श्रद्धालु के। और ये देखिएगा ये रहे नाई घाट के नज़ारे, देख रहे हो पूरी तरीके से देख सकते हो, और नाई घाट पे जल स्तर देख सकते हो, ये देखिएगा अभी भी कम कर रखा होगा, आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके से, इतना जल ठीक है, क्योंकि श्रद्धालु को ज़्यादा वो नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता कोई रेलिंग के पार जाता और चैन वैन छोड़ जाती फिर वो बह जाता पूरे तरीके से, इतना भी जल नहीं है बट इतना जल ठीक है, इतना स्नान करने के लिए आप लोग देख सकते हो, रेलिंग के पार भी काफ़ी ज़्यादा जल है और आप लोगों को स्नान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल मिलेगा, ये देखिए पूरी तरीके से, ये रहे नाई घाट के नज़ारे देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखिएगा। और सामने तुम्हें मनसा देवी मंदिर के हम दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, ये देख ये रहा मनसा देवी का मंदिर दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पूरी तरीके से नाई घाट पे, ये देख रहे हो, और यहाँ से आप लोगों को दर्शन करा देते हैं एक बार पूरी अच्छे तरीके से, ये देखिएगा। और सभी जो मेन घाट के थे ना दर्शन, वो मैंने आप लोगों को करा दिए होंगे, आए होगी तुमने अच्छे से दर्शन भी किए होंगे, और कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे नमामि गंगे जरूर लिख देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हरिद्वार की नई नई वीडियो नए नए अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, हर हर गंगे जय माँ गंगे, मिलते रहेंगे ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।